तो VACPRT का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने से हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो सकती है या शेप क्या हो सकती है। एक्चुअल शेप हम किससे निकाला करेंगे? VACPRT। तो एक बार पढ़ लो VACPRT क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनादर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। भाई सही बात है, अभी भी आपने देखा जैसे आपने XeO3 देखा था, तो XeO3 में तीन तो बॉन्ड पेयर थे और एक क्या था? लोन। तो बॉन्ड के बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, बताओ क्या इनके बीच में रिपल्शन होगा? तो वो यही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वैलेंस शेल में, दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होते हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। आप खुद देखो, लोन पेयर तो फ्री है लेकिन बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच में बंधा हुआ है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के पास दो लोन पेयर हैं लाइक दिस, तो बताओ लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा, क्योंकि लोन पेयर क्या होता है? फ्री। फिर अगला रिपल्शन किसके बीच में होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे बर्बाद रिपल्शन किस में होगा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर क्या होता है? फिक्स्ड, जबकि लोन पेयर रिलेटिवली क्या होता है? फ्री होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये अगला पॉइंट है, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज लोन पेयर हाईएस्ट, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे वीक कौन सा होता है? बॉन्ड पेयर। एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज रिपल्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। सीधी सी बात है, देखो यहाँ दो सिंगल बॉन्ड है और यहां पर दो, तो ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार चार इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी क्या होगा? ज्यादा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रिपल्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। दो ट्रिपल बॉन्ड में रिपल्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा, फिर दो डबल बॉन्ड और फिर दो सिंगल बॉन्ड। इफ द सेंट्रल एटम कंटेन्स बॉन्ड पेयर ओनली, सिर्फ उसके पास बॉन्ड पेयर हैं और कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एंड ऑल द बॉन्ड्स आर सेम, इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? तो मैं आपको बाद में लगाऊंगा, इससे भी तो आप ध्यान रखें, अगर सेंटर एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो उसकी जो शेप है वही आएगी जो आप हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट करते हो। किसे प्रेडिक्ट करते हो? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, CCl4 में आप देखो कार्बन के पास चार बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो आप देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3। तो इसकी शेप भी कैसी आएगी? टेट्राहेड्रल। कैसी आएगी? अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप कैसे आने वाली है? जो हाइब्रिडाइजेशन से आती है। लेकिन अगर उसके पास लोन पेयर है देन उसकी एक्चुअल शेप हाइब्रिडाइजेशन वाली शेप से क्या आएगी? अलग आएगी। ठीक है, तो शेप आपको याद नहीं रखनी है, मैं आपको तरीका सिखाता हूं कैसे आप पता करते हो शेप। ठीक है ना, चलिए तो हम अब यहाँ पे केसेस बना बना के पढ़ रहे हैं, आपको केसेस याद नहीं रखने, हम उनको एनालाइज करते हुए चल रहे हैं। तो देखो मैं पहला केस लेकर चल रहा हूं कि मेरे पास दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, कितने हैं? तो जब आपके पास दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है? sp। कौन सा आता है? अब इसमें कोई और केस नहीं, इसमें एक ही केस पॉसिबल होता है कि इसके पास दो बॉन्ड पेयर हो और एक भी लोन पेयर। तो जब लोन पेयर है ही नहीं तो जो हाइब्रिडाइजेशन वाली ज्योमेट्री है वही ज्योमेट्री आने वाली है। तो बताओ इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी बनेगी? लीनियर। इसके एग्जांपल है जैसे BCl2 हो गया, जैसे आपके पास CO2 हो गया। ठीक है, तो अगर आप CO2 की ज्योमेट्री बनाना चाहें तो देखो कार्बन न्यूट्रल है ना, ऑक्सीजन न्यूट्रल, ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये आपके CO2 की ज्योमेट्री बन गई। कैसी ज्योमेट्री है? लीनियर। कोई डाउट? नंदिनी XeF5 नहीं है, XeF5 प्लस है, अभी आ जाएगा वापस, आप देख लेना, यहां से सब कर लोगे आप अभी। चलिए अब चलते हैं आगे, दो की जगह मैं चलता हूं अगले केस पर, मेरे पास तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, कितने हैं? तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। अब देखो इसमें भी जो पहला केस बनेगा वो तो ये बनेगा
कि तीनों के तीनों क्या हो, बॉन्ड पेयर, और एक भी क्या नहीं हो, लोन पेयर। तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, कोई एग्जाम्पल याद नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ उस मेथड को सीखो। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने रखूँ, BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो आप देख सकते हो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन, तीनों के तीनों शेयर कर लिए। अब बोरोन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, तो क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री या इसकी शेप वही आएगी जो हाइब्रिडाइजेशन से आनी चाहिए। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है यहां पर, 120 डिग्री। बोलो समझ में आता है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो अगला केस बनाते हैं, सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपके पास दो बॉन्ड पेयर हो जाएं और एक लोन पेयर हो जाए, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। मैं आपको एग्जांपल दूं SO2, तो बताओ सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, बताओ न्यूट्रल ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड और एक लोन, ऐसा होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो इसकी ज्योमेट्री आनी कैसी चाहिए थी, ट्राइगोनल। तो आप बनाओ ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब यहां पे आपके दो ऑक्सीजन है न्यूट्रल, तो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और एक लोन पेयर है जो यहां पे आ जाएगा ऐसे, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो जब आपके कंपाउंड के पास लोन पेयर है, ठीक है, सो व्हेन लोन पेयर इज प्रेजेंट, ड्रॉ द ज्योमेट्री प्रिडिक्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड प्लेस लोन पेयर एट मिनिमम रिपल्शन पोजिशन एंड डोंट काउंट द लोन पेयर इन फाइनल शेप। सही है, तो आप क्या करोगे, लोन पेयर लोगे, सॉरी कंपाउंड बनाओगे, लोन पेयर को रखोगे मिनिमम रिपल्शन पोजिशन पे, कहां पर, अभी मिनिमम रिपल्शन पोजिशन क्या होती है, देखो बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा रिपल्शन क्या होगा उतना ही कम, बॉन्ड एंगल जितना कम रिपल्शन क्या होगा उतना ही ज्यादा। तो मैं अभी दिखाता जाऊंगा आपको चीजें, बट अभी क्या है, ये sp2 है, sp2 में सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, 120, तो sp2 में सारी पोजिशंस क्या होती हैं, सेम। आप लोन पेयर को कहीं पर भी रख सकते हो, बात समझ में आ रही है। तो देखो मैंने लोन पेयर को यहां रख दिया, अब लोन पेयर रखने के बाद उसको शेप में काउंट मत करो, जो बची हुई है वही इसकी शेप है। बताओ क्या बचा हुआ है, ऐसे एक एंगल सा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेंट और एंगुलर, क्या बोलते हैं, ये शेप हो गई बेंट और एंगुलर, सही है, कॉपी करो, पीडीएफ से लिख लेना, लिख नहीं पाए, स्क्रीन ब्लैक हो गया था, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, चले ले, ओ गैप दिया करो, वो सालों से बेंजीन बनवाते, चंद्र प्रकाश हो गया, डेफिनेशन लिखनी थी, अच्छा ये लिखवाई नहीं क्या, ये सब लिखना है,
ये आप पीडीएफ से लिख लेना, टाइम खराब हो जाएगा अपना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3, जहां पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसमें आएगा पहला केस 4 बॉन्ड पेयर एंड, ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप देख सकते हो CH4, CCl4 है ना, याद कुछ नहीं रखना। आप देख सकते हो CH4 में कोई बॉन्ड पेयर है ही नहीं, तो सॉरी लोन पेयर नहीं है, इसकी जो ज्योमेट्री है वही होगी जो किससे आती है, नॉर्मल हाइब्रिड। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 20। क्योंकि यहाँ पर सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, इसलिए ध्यान रखना टेट्राहेड्रल के लिए ऑल पोजिशंस आर सेम। यहां पर कोई भी पोजीशन मिनिमम रिपल्शन पोजीशन नहीं, तो आपकी जहां इच्छा पड़े वहां लोन पे रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसी का दूसरा केस, आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, जैसे एग्जांपल NH3, सही है। अब बनाओ नाइट्रोजन, ये एक लोन पेयर, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, होगा ना। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब आप देखो आपने अरेंज कर दिया, अब आप इसको शेप में काउंट मत करो। तो देखो अगर आप इसके तीनों हाइड्रोजन कनेक्ट करोगे तो आपको एक ट्राइंगुलर बेस बनता हुआ दिखाई देगा और ये ऐसे एक पिरामिड के शेप में जा रहा है। तो इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पिरामिडल, या तो आप इसे पिरामिडल बोल लो या फिर आप इसे ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करना है, लोन पेयर्स को मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे रखना है, अगर सारी पोजीशन सेम है तो लोन पेयर को जहां इच्छा हो वहां रख दो, उसके बाद लोन पेयर को शेप में काउंट मत करो, वही आपके मॉलिक्यूल क्या होगी, फाइनल शेप होगी। देखो इसी में अगला केस, 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर, जैसे एग्जांपल हो गया H2O, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयर किए 4 बच गए, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन तो फिर से वही sp3, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आनी चाहिए थी। अब आप क्या करोगे, अच्छा एक और चीज अपन भूल गए डिस्कस करना यहां पे, देखो ये लोन पेयर है ना, समझना तीन। देखो जैसे ये नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये जो है ये लोन पेयर है, ठीक है, तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, तो जैसे रिपल्शन लगाएगा ये तीनों बॉन्ड्स क्या होंगे, ऐसे अंदर की तरफ आएंगे, जैसे अंदर की तरफ आएंगे तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो हम बनाने में इसको हमने ऐसा बना दिया है, बट अपन अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को भी, और बट फिर भी आप अभी देख सकते हैं कि यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 107.25 डिग्री हो जाता है। वैसे टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन क्योंकि लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन लगाएगा इसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा और वो कितना हो जाएगा, 107.25 डिग्री। बोलो समझ में आता है। ऐसे देखो जब आप H2O में जाओगे तो आपके पास 2 तो हाइड्रोजन जुड़ गए और बाकी के 2 क्या बचेंगे, लोन पेयर। तब आप लोन पेयर को शेप में काउंट मत करो, तो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वी शेप, है ना, या फिर बेंट भी बोल सकते हो। अब देखो यहां पर तो 2 लोन पेयर में रिपल्शन होगा, है ना, तो इसे आप बेंट और वी शेप बोलते हो। बताओ रिपल्शन ज्यादा होगा ना, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल और, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री आता है।
तो हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम है लेकिन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। फिर देखो चौथा केस कि आपके पास एक बॉन्ड पेयर हो और तीन लोन पेयर हो जाए, ठीक है, जैसे HCL 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहे हैं, एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, सही है ना। अब इसकी ज्योमेट्री बना लो तो बना लो, CL यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर और ये H लोन पेयर तो शेप में काउंट करेंगे नहीं, तो ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, लीनियर। इसमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं है, लेकिन हाँ इसमें क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी तीन बॉन्ड पे सॉरी तीन लोन पेयर है और एक और, समझ में आ रहा है किसी को डाउट? HCl का एंगल कितना होगा, HCl का एंगल कितना होगा, 180। इसमें एंगल कुछ नहीं होगा एक्चुअली, सीएल और एच है, एंगल के लिए, एंगल के लिए तीन एटम्स तो चाहिए एटलीस्ट, लोन पेयर के बीच में रिपल वो नहीं होता एंगल, लोन पेयर बॉन्ड ये तो HCl है ना, दो ही एटम है, तीन एटम होंगे तभी तो एंगल काउंट करेंगे। कोई बात नहीं, हाँ अभी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता तो उसमें हमने एक बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर क्यों बनाएंगे, तो वो सेम ऐसे बनेगा, देखिए नेक्स्ट आपके पास, अब देखो ध्यान से, पांच हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, क्या होता है sp3d में ज्योमेट्री कैसी बनती है, ट्राइगोनल, फोर्थ नंबर ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इसे बहुत ध्यान से देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें पहला केस आता है पांच के पांच बॉन्ड पेयर हो और एक भी लोन पेयर ना हो, इसका एग्जाम्पल हो गया PCl5, ठीक है। तो जो भी लोग इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं अपना और अपने पड़ोसियों का, यहाँ देखें तो यहाँ फॉस्फोरस होगा और इस तरह से आपके पास एक ट्राइगोनल प्लेन बनेगा जिसपे तीन सीएल होंगे, फिर एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, यह आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है। मैं आपको पहले बता चुका हूं ये वाली जो पोजीशंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशंस, क्या बोलते हैं, बताओ यहां पे एंगल कितना होता है, 120। ये जो ऊपर वाले दो क्लोरीन है इसे हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, कौन सी पोजीशन, तो ये जो एक्सियल पोजीशन है और इक्विटोरियल पोजीशन है, इन दोनों में जो आपकी इक्विटोरियल पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, मिनिमम रिपल्शन पोजीशन, क्या होती है, तो अगर आपके पास लोन पेयर है एंड मल्टीपल बॉन्ड है विल ऑक्यूपाई दिस पोजिशन, तो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही इस पोजिशन को ऑक्यूपाई करेंगे, कभी भी लोन पेयर आया तो आप कौन सी पोजिशन पे रखोगे, इक्विटोरियल, मल्टीपल बॉन्ड आया तब भी कौन सी पोजीशन पे रखोगे, इक्विटोरियल से। एक चीज समझ में आती है, चलिए लिख लेना, अभी देख लो मैं दे दूंगा टाइम लिखने का, अभी सामने देखो, बताओ क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है। अब आप देखो इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री,
इसके और उसके बीच में भी 90, इसके और उसके बीच में भी। तो क्या होता है, ये तीनों क्लोरीन मिलकर इस क्लोरीन के ऊपर क्या लगा रहे हैं, रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से ये वाला जो क्लोरीन है वो इस प्लेन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, अब इसकी जो फाइनल शेप या ज्योमेट्री बनेगी उसमें बाकी तो सब कुछ ठीक है कि यहाँ पे फॉस्फोरस होगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, लेकिन ये वाला क्लोरीन बॉन्ड थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेंथ में बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, पैसे देने दो। अब आप बना सकते हो, तो आप ध्यान रखना PCl5 के केस में सारे PCl बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं होते हैं। जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्विटोरियल बॉन्ड से क्या होता है, लेंथ में ज्यादा होता है। कॉपी करें।